बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट महविश चौहान, और आज हम जो पर्सनैलिटी जिनको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, वर्किंग वुमेन हैं। समन साहिबा हमारे साथ हैं, अपनी कंपनी की CEO हैं और बहुत सारे अवार्ड्स ले चुकी हैं। उसके अपने प्रोफेशन के हवाले से बहुत सारे अवार्ड्स लिए हैं, उस हवाले से भी उनसे बात करेंगे। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम महविश, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको वीनस के मेहमान में खुशामदीद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू। अच्छा, आपके एजुकेशन से हम स्टार्ट करेंगे। समन बचपन में कैसी थी और एजुकेशन कहाँ से हासिल की, स्टूडेंट कैसी थी और क्या क्या करती थी अपने बचपन में? तो आपने एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट की? मैंने कराची से ही तालीम हासिल की। खातून पाकिस्तान स्कूल था जो कि फातिमा जिना ने बनवाया था, और इस स्कूल में हमारा आधे से ज़्यादा ख़ानदान जो है उसकी खवातीन ने वहीं से पढ़ा। अच्छा। और आपने बड़ा अच्छा वक्त याद दिला दिया। स्कूल का ज़माना जो कि मेरा ख्याल है कि जितने हमारे नाजरीन हैं वो सब अपने उस वक्त को याद करते होंगे और एंजॉय करते होंगे। और मैं बड़ी घर में बड़ी शरारती थी। अच्छा। लेकिन स्कूल और स्टूडेंट कैसी थी? स्टूडेंट बहुत सीधी सादी सी। अच्छा। थी जी हाँ, बहुत सीधी सादी स्टूडेंट थी, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी पार्टिसिपेट करती थी और स्पेशली सिंगिंग का बहुत शौक रखती जी। बिल्कुल, आपको पोएट्री का भी और सिंगिंग का भी बचपन से शौक है। जी हाँ। उसके हवाले से भी बात करेंगे थोड़ा सा। हमें अपने बचपन से जो आपके शौक थे और आपकी स्टूडेंट लाइफ वो हमसे शेयर करें। स्कूल के बाद जो है वो कॉलेज, कौन से कॉलेज? यूनिवर्सिटी कॉलेज में। जी हाँ, PCHS कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया। ठीक। और हमारे जमाने में ऑल्दो बहुत ज़्यादा पुराना ज़माना नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे ज़माने में ख़वातीन के लिए तीन प्रोफेशन दिए जाते थे, डॉक्टर, इंजीनियर या उसके बाद टीचिंग। बिल्कुल। और ज़्यादातर ख़वातीन जो थी वो यही सोच के पढ़ती थी कि किसी को इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए, किसी को मेडिकल कॉलेज के अंदर दाखिला मिल जाए, या फिर कहीं ना दाखला मिले तो फिर टीचर बनना है। जी जी बिल्कुल। और कुछ जो थे उनके घर वाले उनको इंसिस्ट करते थे कि बस अब तुम्हारी तो शादी ब्याह करना है, इसके बस इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा भी बीए के बाद सिर्फ डायरेक्ट ब्याह करना है। बीए के बाद ब्याह होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद मरहूम जो थे वो इस मामले में बड़े दूरअंदेश थे, और बहुत ज्यादा उनकी ये ख्वाहिश थी कि मेरी बच्चियाँ अच्छी तालीम हासिल करें। हम दो बहनें थे। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह है, हम दोनों बहनों में दोनों को तालीम का बहुत शौक था। सही। और फिर मैंने परसू किया, और उन्होंने मेरी जो बड़ी सिस्टर है इनफैक्ट वो भी अपनी तालीम हासिल करने के बाद उनकी शादी हो गई। और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं न्यूक्लियर में कुछ करूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह। मैंने जो अपनी पढ़ाई कॉलेज के बाद जब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो वो न्यूक्लियर फिजिक्स में दाखिला लिया। ठीक। बट आप ये समझें कि खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें, मेरे वालिदैन चूंकि US नेशनल रहे थे। अच्छा। और उसकी वजह से US ने रोल बैक प्रोग्राम 92 में हुआ था। सही। जिसमें उन्होंने तमाम जो न्यूक्लियर के स्टूडेंट्स थे उनको वहाँ से वापस भेजा था, और यहाँ से जो लोग थे उनको उन्होंने कहा कि नहीं जी वो अब वहाँ नहीं आ सकते। तो मेरा इमिग्रेशन तो वहाँ पे रुक गया था, इसलिए मैं नहीं जा सकी थी। लेकिन उसके अलावा जब यहाँ पे मैंने अपना न्यूक्लियर के इदारों में अप्लाई करने की कोशिश की। तो ये सब्जेक्ट क्यों चूज किया आपने, इस हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या इंटरेस्ट था आपका? या तो स्पेस का शौक था, लेकिन स्पेस यहाँ पे जो है वो महकमा मौसमियात तक महदूद है वहाँ पर। तो मेरा ख्याल था कि शायद स्पेस की पढ़ाई के बाद मैं कोई चांद पे पहुंच जाऊंगी। अच्छा। या एस्ट्रोनॉट बन जाऊंगी। लेकिन मुझे अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान में रहते हुए तो मेरे लिए ऐसा मुमकिन नहीं होगा, नहीं पहुंच सकी। तो बिल्कुल, तो उसके लिए यही था कि चलें जी न्यूक्लियर जो है उसको पढ़ा जाए, कुछ शौक भी था। और फिर बहरहाल अपनी उससे कुछ फायदा हुआ उस प्रोफेशन में, कुछ आगे बहुत फायदा हुआ। अच्छा, मुझे शेयर करें प्लीज। कि तालीम का हमेशा फायदा, फायदा होता, ही होता है। और तालीम चाहे किताबों की हो, चाहे वालदैन की तरफ से या फैमिली की तरफ से मुख्तलिफ किस्म की तालीम दी जाए, वो दोनों तमाम तालीम जो होती है वो हमेशा हमको फायदा ही देती है, हर तरह से हमारे लिए फायदेमंद है। तो बस उसमें ये नुकसान ये जरूर हुआ कि मैं अमेरिका नहीं जा सकी।
अच्छा, जो वो कि क्यों मैं नहीं जा समझती सकी, हूँ वो बिल्कुल हमारे साथ इसलिए शेयर करें आपके, जी। वो ऐसा क्या मैं क्या ऐसी वजह थी जो आप अमेरिका नहीं जा सकी और वहाँ के वीज़े में आपको प्रॉब्लम कहीं पर आई? जी वो 92 में अमेरिका ने रोल बैक प्रोग्राम किया था कि जितने भी मुल्क ममालिक जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह बना रहे हैं, ठीक, तो उन कंट्रीज के ऊपर कुछ पाबंदियां और सेंक्शंस लगा दी थी। राइट पाकिस्तान उनमें से एक था। राइट तो पाकिस्तान में चूंकि मेरी तालीम न्यूक्लियर फिजिक्स थी, जी। तो मुझे वहाँ पर जाने से वीज़ा नहीं दिया गया। तो इसका इसी यहाँ वजह पर से आके एक नुकसान भी हुआ आपको? यहाँ पे आके नुकसान हुआ। ठीक, और मज़े की बात आपको मैं आगे एक और हाँ। बताऊँ कि जब मैंने पाकिस्तानी सेंसिटिव इदारों में अप्लाई किया, डिफेंस के इदारों में अप्लाई किया, तो उन्होंने ये कह के माजरत कर ली कि आपके वालदैन चूंकि US नेशनल है इसलिए हम आपको जॉब नहीं दे सकते। ओह माय गॉड, तो आप ये कह सकते हैं कि मार जो पड़ी वो दोनों तरफ से पड़ी, ओ सिर्फ अमेरिका मुल्क को से नहीं, भी मेरे अपने मुल्क से और भी हाँ पड़ी, बैरून बिल्कुल। मुल्क से भी। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं ये किसी भी मुल्क की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होते हैं, और ये मुल्क की बेहतरी के लिए ही होते हैं और इनको बिल्कुल, फॉलो करना चाहिए। तो मैंने भी वो कहते हैं ना कि एक्सेप्ट कर तस्लीम लिया अफहम कर इसको, लिया और उस बिल्कुल। चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और आगे बढ़ी। सही, और उसके बाद अपना जो करियर था मेरा इसके हाँ साथ बिल्कुल। हम ये एसोसिएशन जानना रही। चाहेंगे कि अब तक आपने कौन कौन सी कंपनीज के साथ काम किया है और आपकी वहाँ पर डेजिग्नेशन क्या थी और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और आपने अपनी क्या क्या खिदमात वहाँ पर अंजाम दी, वो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। जी जी क्योंकि बिल्कुल। हमारे नाज़रीन देखना चाहते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो मर्दों से कहीं भी पीछे नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, आगे बढ़ती हैं। और आपके इतने माशाल्लाह हौसला मंद खातून जो आज हमारे साथ बैठी हैं, इन्हें देख के और यंगस्टर्स को भी जो है एक मैसेज मिलेगा और वो भी आगे बढ़ने की और काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत तो शुक्रिया, प्लीज़ आप थैंक हमसे यू। शेयर करें। जी मेरी बिल्कुल पूरी कोशिश होगी कि मैं उन तमाम अपनी याददाश्त को इकट्ठा करूं और आपके सामने स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट कर सकूं। बिल्कुल, डेस्कॉन में, डेस्कॉन इंजीनियरिंग के इदारे के साथ मैं ठीक, मुंसलिक रही। वहाँ पर भी मैंने अच्छा, क्वालिटी एश्योरेंस में और HSC डिपार्टमेंट के साथ काम किया। उसके बाद एक और इदारा है जो कि इंटरनेशनल कंपनी है, वहाँ से ऑडिट्स और ट्रेनिंग्स जो हैं वहाँ से काफ़ी अरसे तक 11 साल तक मैं करती रही। ठीक, और मज़े की बात ये कि शुरू में जब मैं वहाँ पे ऑडिट्स के लिए, वो मुझे भेजते थे मुख्तलिफ कंपनीज की सर्टिफिकेशन के लिए, अच्छा, तो एक्चुअली काम जो हमारा होता है, मैं आपको थोड़ा वाजे कर दूँ, हेल्थ बिल्कुल, सेफ्टी और एनवायरनमेंट का, ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी। राइट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ यानी कि किसी भी इदारे में, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जान व माल का तहफ्फुज़, उनकी तहफ्फुज़ सेहत किया की जाए, हिफाजत और उनके सही, माहौल की जिम्मेदारी और उसकी हिफाजत की कमिटमेंट, और ये तमाम चीज़ों को हम इंश्योर करते थे कि क्या ये ठीक, तमाम नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के तहत इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हैं और लीगल रिक्वायरमेंट्स को हमारी कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए ऑडिट्स होते थे और फिर उनकी ठीक है, सर्टिफिकेशन होती थी जो कभी कभी उनको एक्सपोर्ट में भी हेल्प कर रही होती थी और उनके अपने सिस्टम्स को बेहतर करने के लिए भी होती थी, ठीक, और जिससे उनके जितने भी मुलाज़मीन होते थे उनकी जान व माल और सेहत की हिफाजत जो है वो भी बिल्कुल। इंश्योर हो जाती थी। समन, इसी हवाले से मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूँगी क्योंकि आपकी फील्ड है और आपने इस पे काम भी किया है। क्योंकि अक्सर कंपनीज में ऐसा होता है कि उनको प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता, उनको ट्रेनिंग ऐसी नहीं दी जाती कि अगर अचानक कोई कंपनी में हादसा हो जाए तो उन्हें कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, उस वक्त अपने आप को सिक्योर करने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए उनको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं और इस तरह की कोई ट्रेनिंग दी जाती है? जी बिल्कुल। इमरजेंसी रिस्पांस जो चीज़ की आप बात कर रही हैं वो इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग के ज़िम्मे में आती है, और इमरजेंसी प्रिपेडनेस जो है जो कि हम देख भी सकते हैं कि ना सिर्फ मुख्तलिफ कंपनीज में बल्कि आप देखें कि मुख्तलिफ मार्केट्स में आए दिन आग लग रही होती है, बिल्डिंग्स में बिल्कुल। आग लग और रही होती कितने है। लोग जो है वो झुलस के जल के मर जी जाते हाँ हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि उस सिचुएशन में करना क्या है। तो हर कंपनी में जो है वो ट्रेनिंग देनी चाहिए इस चीज़ की कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाए, कहीं आग लग जाए, कुछ ऐसा हो बेशक। जाए, तो वो उस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए। तो इस हवाले से आप लोग कुछ ट्रेनिंग देते थे? जी जी बिल्कुल। हमारी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है और जिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट हम ऑडिट और ट्रेनिंग कराते हैं उसमें ये तमाम चीज़ें शामिल होती अच्छा, हैं कि किस तरीके से आपने तैयारी करनी है कि खुदा ना सही, खास्ता किसी भी हादसे की सूरत में, और हादसों की भी मुख्तलिफ नौईयत नोयत, यानी कि अगर गैस लीक हो जाती है, हाँ, आग उस लग जाती सिचुएशन है, में क्या बिजली करना का कोई है? मसला आ जाता है, या उसके अलावा कोई एसिड का स्पिल हो जाता है, कोई हाइट से गिर जाता है, मुख्तलिफ किस्म के हादसा की नौयत में, और हर हादसे की नौयत को निमटने के लिए उन लोगों को ट्रेन किया जाता है, उनकी ठीक है, इमरजेंसी रिस्पांस टीम डेवलप की जाती है राइट, जो कि उस वक्त उन लोगों को बर वक्त
امداد جو ہے وہ فراہم کرتی ہے, جس طریقے سے کمپنی کی طرف سے چیزیں ان کو ایسے فراہم کی جاتی ہیں, کمپنی کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ ان کے پاس ایک ایسی ٹیم ہونی چاہیے جو کہ ٹرینڈ ہو, سیکیور کرے انہیں. بالکل بالکل, اور یہ ریکوائرمنٹس بھی ہیں, یہ انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ بھی ہیں. اور اب تو پاکستان کا سندھ کا جو ہے اکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ ایکٹ جو ہے وہ آ چکا ہے, اور ماشاء اللہ سندھ گورنمنٹ نے اس میں جو ہے لیڈ لیا ہے اور سب سے پہلے یہ لیگل ریکوائرمنٹ لے کر آئے ہیں سیفٹی کے حوالے سے, جو کہ پہلے نہیں موجود تھی. رائٹ, اور اب تو یہ چیز بنیادی طور پہ تمام جو ہمارے ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ہر فیکٹری ہر کمپنی اس کو امپلیمنٹ کرے. بالکل, یہ تو کمپنی کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے. بالکل بالکل, کیونکہ جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے, اور جب آپ کی ذمہ داری ہے تو ان کی جان و مال کا تحفظ بھی آپ کی ذمہ داری ہوتا ہے. سو اس کے علاوہ اور کہاں کہاں کس کس کمپنی میں کس عہدے پہ؟ بالکل, پاکستان میں مختلف جگہوں پہ, جو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں بڑے مزیدار سی, وہ یہ کہ جو آج کل لڑکیاں ہیں یا ایون لڑکے بھی ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ ان میں تھوڑا سا جلد بازی کا ایلیمنٹ ہے اپنے کیریئر میں آگے جانے کے لیے. ہم تو پیشنس کی ضرورت ہے. تو جی ہاں بالکل, پیشنس بہت ضروری ہے. ہم تو بہت سارے آڈٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ مختلف مراحل پہ گزر کے جو ہے وہ سینئر لیول پہ پہنچے, لیکن یہ ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے کچھ چیزیں بڑی فیس کرنا مشکل ہوتی ہیں, جو چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں کسی ایسے جگہ پہ جا رہی ہوتی تھی, جو فار ایگزامپل بلوچستان کا سبرب ایریا یا سندھ کا سبرب ایریا, تو وہاں سے جو کلائنٹ ہوتے تھے وہ ہماری کمپنی کو کہتے تھے کہ نہیں جی ہمیں خاتون نہ بھیجیے گا آڈٹ کے لیے, کیونکہ ہم ان کے نخرے اٹھائیں گے جی آڈٹ کرائیں گے. خاتون ہونے کا ایک یہاں بھی نقصان تھوڑا سا, کیونکہ وہ ایک ٹیبو ہے نا کہ خاتون ہوں گی تو وہ شاید پتلی ہیل پہن کے آئیں گی. اب جب سیفٹی کے لیے آپ آڈٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اپنے لباس کا بھی خیال رکھنا ہے, آپ کو اپنے شوز کا بھی خیال رکھنا ہے, آپ کو ہیلمٹ پہننی ہے, پراپر اکوپمنٹ سے اور گیجٹس کے ساتھ آپ کو وہاں پہنچنا ہوتا ہے. تو پھر وزٹ پہ جاتی تھی؟ جی بالکل, الحمد للہ میں نے 1000 سے زیادہ پاکستان میں پاکستان سے باہر آڈٹس کیے ہیں ہیلتھ سیفٹی انوائرمنٹ اور کوالٹی کے, اور اس سے زیادہ ٹریننگ بھی کنڈکٹ کرائی ہیں. تو پھر جب جاتی تھی اس کے بعد پھر ان کا جواب آتا تھا اور اپریسیشن لیٹر آتا تھا. اچھا گریٹ, کہتے تھے کہ نہیں جی آپ, ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ خواتین جو ہیں وہ بھی اتنی کمٹمنٹ سے اور اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں گی. صحیح, تو بہرحال یہ تو کچھ جگہیں ایسی بھی ہوتی تھیں جہاں پہ ہمارے جو میل آڈیٹرز ہوتے تھے وہ منع کر دیتے تھے کہ نہیں جی ہم وہاں نہیں جائیں گے, کچھ بارڈر کے قریب والے علاقے اور اس طرح کے, تو سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے. بالکل, بٹ میرے لیے بڑا چیلنج ہوتا تھا, مجھے کرنا ہے جانا ہے, تو میں جاتی تھی الحمدللہ اور ابھی بھی جاتی رہی ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر کام آپ کا شوق آپ کا کام بن جائے تو آپ کے لیے مشکلیں اور مسئلے آسان ہو جاتے ہیں. بالکل, شوق آپ کا کام بن جائے تو پھر آپ اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کا کیا شوق اور کیا آپ کا کس چیز میں آپ انجوائے کرتے تھے زیادہ, کس فیلڈ کا آپ نے زیادہ انجوائے کیا اور کس ڈیزگنیشن کا آپ نے زیادہ انجوائے کیا کہ ہاں مجھے یہ کام بہت پسند ہے؟ مجھے ٹریننگس میں بڑا مزہ آتا ہے. اچھا, کیونکہ ٹریننگ میں آپ ایک تو آپ اپنے لیول کے لوگوں کے ساتھ بھی ٹریننگ کراتے ہیں, اپنے سے سینئر لوگوں کو بھی ٹریننگ کراتے ہیں, مطلب کمپنیز کے سی اوز کو بھی میری ٹریننگ میں بیٹھتے ہیں, مڈل مینجمنٹ بھی ہوتی ہے اور گراؤنڈ لیول کا جو اسٹاف ہے وہ بھی, فیلڈ اسٹاف بھی موجود ہوتا ہے, اور جب اسٹوڈینٹس آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے. اور مزہ یہ آتا ہے کہ آپ جب ینگ اسٹوڈینٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ خود اپنے آپ کو اسی ایج گروپ میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ یو فیل یور سیلف مور ینگر. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ٹریننگ والا ایلیمنٹ ہے وہ میرے لیے بڑا مزیدار ہوتا ہے, کیونکہ اس میں مجھے بھی سامنے والوں سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے, اور تو سے یہ احساس بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس قابل اللہ نے آپ کو بنا دیا کہ آپ دوسرے لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں, اور یہ احساس بھی آپ کو ایک خوشی دیتا ہے. تو صحیح بات ہے, بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ آپ جب کسی سے کوئی چیز سیکھتے ہیں تو اسی چیز کو آگے دوسری جگہ کے اوپر آپ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچائیں. ماشاء اللہ, اتنا سارا کام کرنے والی خاتون ہمارے ساتھ, اتنی حوصلہ مند. اور آپ کو ایک بات اور یاد دلاتی چلوں, میں نے انٹروڈکشن میں بھی بتایا تھا سمن نے بہت سارے ایوارڈس لیے ہیں, ان کے گھر میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف اتنے سارے ایوارڈس ہیں, وہ ناظرین کو ہم دکھاتے چلیں گے, لیکن اس کے حوالے سے ہم پوچھیں گے کہ یہ ایوارڈس کہاں کہاں اور کون کون سی اچیومنٹ لیں آپ نے اور کیسے حاصل کیے. تو سمن کچھ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے اپنے ایوارڈس کے حوالے سے. اچھا, یہ ایوارڈز نو ڈاؤٹ میرے لیے بہت خوشی کا باعث ہے, اور جب میں ان کو دیکھتی ہوں تو مجھے واقعی میں احساس ہوتا ہے کہ, اور پھر مزید انرجی جو ہے وہ آپ کے اندر بلڈ اپ ہو جاتی ہے
कि आप कहाँ से चले थे और आज आप कहाँ हैं, तो है। उसमें आपके उस सफर में ये तमाम चीजें आपकी अचीवमेंट से आपको इनकरेज कर रही होती हैं। बट मैं समझती हूँ कि इन अवार्ड से भी आगे जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो लोगों की मोहब्बत है और रिस्पेक्ट है, जो कि मैं समझती हूँ कि ख्वातीन परेशान होती हैं कि जी हम इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में इस तरह की कंपनीज में या ऐसे इदारों में काम करें जहाँ पे मर्द ही मर्द होते हैं और वहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है काम करना। सही। तो मैं समझती हूँ कि उस टैबू को मैंने तोड़ने की किसी हद तक कोशिश की है, और जिस इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करती हूँ उस इंडस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह लोग नाम लेके कहते हैं कि जी वो भी तो खातून थी, वो भी तो इस तरीके से सारे काम करती थी जाती थी और इन जगहों पे जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी कोई ऐसा कोई हैरेसमेंट, कोई वायलेंस, कोई इस किस्म का इशू अल्लाह का शुक्र है अपने कैरियर के इन 24-25 सालों में कभी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं फेस करना पड़ा। अलबत्ता लोगों की इज्जत, लोगों से बहुत इज्जत मिली, बहुत रिकॉग्निशन मिली, जिसके लिए मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पर भी आपको अवार्ड्स दिए गए? जी, कुछ इंटरनेशनल लेवल पर थे, कुछ WWF की तरफ से। वो हम बिल्कुल हमारे साथ शेयर करें। और वो ऑब्वियसली ये था कि चूंकि एक बीच का स्पैन मेरा जो था जिसमें मैंने नौकरी की और उससे पहले कुछ अरसे मैं अपना काम कर रही थी इसी कंपनी के साथ, और उसके बाद भी अब दोबारा इसी कंपनी को दोबारा रन करने की कोशिश कर रही हूँ। जो अचीवमेंट है वो उसी हवाले से थी कि बींग अ खातून आप काम करती हैं और बींग अ खातून आप फीमेल्स को इनकरेज करने के लिए और बींग एन इंस्पिरेशन आप इस बिजनेस वुमन आप हैं, तो इस हवाले से मुख्तलिफ अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस मिली हैं। अच्छा, इस फील्ड में नहीं होती तो समन क्या होती? इस फील्ड में नहीं होती तो या तो सैया होती। अच्छा, और उससे पहले चांद पे जाना था। चांद पे जाना था, चांद को अपने हाथों में लेना था, छूना था उसे। बिल्कुल, हर लड़की की ख्वाहिश होती है, है ना? बिल्कुल। और सिंगर होती। हाँ बिल्कुल, सिंगिंग के हवाले से तो भाई हमने बहुत सारे, अभी आपसे सिंगिंग भी करानी है, पोएट्री भी करानी है, क्योंकि बचपन से समन का शौक था कि वो सिंगिंग करें, एक अच्छी सिंगर भी बने, और एक अच्छी सिंगर हैं इनके अंदर, और बड़ी अच्छी पोएट्री भी करती हैं। तो आइए उसके हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं और पूछते हैं कि सिंगिंग कहाँ तक चली अब तक, और उससे कहाँ तक आपने उसको उसके अंदर अपनी जान डालती रही, उसको आगे अपनी प्रोफेशन के साथ अपने सिंगिंग को कितना टाइम दिया? बड़ा महवेश मुश्किल काम था। अच्छा, ये फैसला करना सही कि जिस प्रोफेशन से मैं बिलोंग करती हूँ, कॉर्पोरेट लेवल की जो मेरा जो सेटअप है वो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के साथ है। राइट। और उस सेटअप के अंदर आके अगर आप गाना गाने लगे तो मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझसे कहा कि यार पढ़ लिख के तुम गाना गा रही हो। अच्छा, मुझे समझ नहीं आया कि मतलब इससे क्या मतलब हुआ कि पढ़ लिख के गाना गाऊंगी। तो मैंने कहा क्यों, क्या म्यूजिक में PhD नहीं होता? क्या म्यूजिक के अंदर मास्टर्स नहीं होता? लोग पोइट्री पे और लिटरेचर में और इन चीजों में आला तालीम हासिल नहीं करते, तो पढ़ने लिखने को हमने पता नहीं क्यों डॉक्टर इंजीनियर और इससे आगे वहां तक महदूद कर दिया है, हमारे प्रोफेशंस हैं बस उनको हमने लिमिटेड कर दिया कि जी पढ़ाई लिखाई का मतलब जो है वो सिर्फ यही है कि ये किताबें हैं चार, या आप डिग्रीज हैं, ये सर्टिफिकेशंस हैं, आपने कर लिया, अब आप पे लेबल लग गया कि आप पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा जो लोग स्किल रखते हैं या जो लोग किसी किसी हुनर में माहिर हैं, सही बात वो, है वो भी तो तालीम है, वो भी तो इल्म है, वो भी तो नॉलेज है। सही। उसको कैसे बुरुए कार लाएं, अपनी उस सलाहियत को कैसे उजागर करें, और मैं समझती हूँ कि ये बहुत जरूरी है क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई आर्टिस्ट छुपा होता है। बिल्कुल। और उस आर्टिस्ट का तालीम से मेरा मकसद वो किताबों वाली तालीम है, उससे आपके प्रोफेशन से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। वो एक आपके अंदर का शौक है, वो आपके अंदर की खुशी है जो आप बाहर निकालते हो। एक हर आपके अंदर जो एक आर्टिस्ट था उसको कितना जिंदा रखने की कोशिश की आपने? हर वक्त कोशिश करती थी जिंदा रखने की, लेकिन वो कभी कभी जिंदा रहता था, कभी ड्रिपों पे चलता था, कभी बेहोश हो जाता था। तो लेकिन अब कोशिश की है कि उसको सही तरीके से फिटनेस के साथ आगे लेकर आऊं उस आर्टिस्ट को। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ गाने जो हैं वो शूट भी हुए हैं, कुछ गाने रिलीज भी हुए हैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की बड़ी अच्छी पजीराई भी मिली है। अच्छा। उस हवाले से लेकिन मैं अगेन इस बात को कहूंगी कि शौक दा कोई मूल नहीं। शौक दा कोई मूल नहीं। और हमें अपने प्रोफेशन के साथ इस टैबू को या जो हमारा एक
कल्चरल स्टिग्मा है कि हम सिर्फ प्रोफेशन जो है वो चंद किताबों या डिग्रियों के हवाले से ही चीज़ों को समझते हैं या डिग्री के हवाले से ही समझते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए. बिल्कुल. और आप देखें ना कि जब कोई सीवी जमा कराता है या कोई सीवी सबमिट करता है तो उसके अंदर उसकी सारी क्वालिफिकेशन लिखी होती है, सर्टिफिकेशंस लिखी होती हैं, तमाम चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन कहीं पे ये नहीं लिखा होता कि किसी को पेंटिंग बहुत अच्छी आती है. हाँ, बिल्कुल. कोई बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट है, कोई जबरदस्त सिंगर है, कोई जबरदस्त एक्टर है. तो ये तमाम चीजें क्यों नहीं है? हम इन चीजों को एक्स्ट्रा पता नहीं क्यों हम इसको वैल्यू नहीं करते. बिल्कुल. स्कूल में आप देखें ना, हमारे जमाने में हमें फ्लावर मेकिंग कराई जाती थी. बिल्कुल. ठीक है. और मुख्तलिफ किस्म की स्टिचिंग की क्लासेस होती थी. ये सब क्या चीजें थी? एक तो ये जरूरत भी थी और ये स्किल थी. स्किल्स हैं. तो इन चीजों को अब नहीं होता. अब आप देखें यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में कोई प्रोग्राम होता है तो अपने बच्चों का टैलेंट लेकर आने के बजाय बाहर से लोगों को बुला के और एक इवेंट कंडक्ट करा लिया जाता है. ऐसा क्यों नहीं करते हम कि उन्हीं बच्चों में से वो टैलेंट निकाल के लाएं? तो कोई छाप तो नहीं लग गई कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो सिंगिंग नहीं कर सकता, अगर कोई वकील है तो वो कोई पोएट्री नहीं कर सकता, तो ये इसका प्रोफेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता. अच्छा नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि समन सिर्फ शौकिया सिंगर नहीं है, प्रोफेशनल सिंगर भी हैं और बड़े अच्छे अच्छे सॉन्ग्स इन्होंने सिंग किए हैं. तो एक अच्छा सा सॉन्ग जो इनका फेवरेट है वो हम इनसे ज़रूर सुनेंगे. चलें, आपने आपकी फरमाइश है तो रूना नैला साहबा का एक गाना मुझे बड़ा पसंद है. जी जी बिल्कुल. और कभी मौका मिला तो उसका रिमिक्स जरूर बनाऊंगी. हाँ, अभी रिमिक्स कैसा बनाएंगे वो हमें बता दें. मैं सुनाती हूँ. पाकिस्तानी फिल्म उमराव जाना दा का. अच्छा. काटे ना कटे रे रतियाँ सयाँ इंतजार में, काटे ना कटे रे रतियाँ सयाँ इंतजार में, होए होए मैं तो मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में, होए होए मैं तो मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में, काटे ना कटे रे रतिया, बिन रैन तेरे सपनों में रहूं, तू आए न जाए मैं कहाँ से कहूं, बिन रैन तेरे सपनों में रहूं, तू आए न जाए हो काहे सताया, तूने सपना दिखाया, तूने सपना दिखाए, काटे ना कटे रे रतिया. बहुत प्यारी आवाज़ माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत आवाज़ अब तक आपने कहाँ छुपा के रखी हुई थी. और आप तो सिंगर होती तो मेरे ख्याल से अभी इस वक्त तो बहुत फेमस सिंगर होती हैं, आपने तो अपनी आवाज़ को आगे लेकर ही नहीं आई आप. बहुत माशाल्लाह प्यारा गाया आपने और इतनी प्यारी आवाज़ हमें सुनाई. अब आपकी कुछ पोइट्री के हवाले से भी बात हो जाए. पहला शेर कौन सा था आपका और कब स्टूडेंट लाइफ से स्टार्ट की पोइट्री, या फिर उसके बाद प्रोफेशन में आने के बाद कब स्टार्ट की और पहला शेर कौन सा था आपका? पोइट्री का शौक यूनिवर्सिटी लाइफ से शुरू हुआ और मैं समझती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शायर जो हमारे हैं वो यूनिवर्सिटी लाइफ में ही शायर बनते हैं. अच्छा. और लेकिन मेरी शायरी थोड़ी मुख्तलिफ कसम की है. अच्छा. मेरी शायरी बहुत ज़्यादा आशिकाना और महबूब वाली शायरी नहीं होती. अच्छा. मेरी शायरी थोड़ी सी
मैं जालिब से इंस्पायर हूँ। ओह माशाल्लाह जी, जालिब साहब मेरी इंस्पिरेशन है। ठीक। तो मेरा एक शेर जो मैंने सबसे पहले लिखा था सही। वो ये था, कुछ तो शराब की भी हकीकत है यहाँ जनाब, वाह। कुछ तो शराब की भी हकीकत है यहाँ जनाब, कहता है कौन दश्त में दरिया नहीं होता। वाह क्या बात है, ज़बरदस्त, इतना प्यारा आप शेर आपने सुना दिया। और अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपका एक सामने हमें वो सिंगिंग के हवाले से कुछ, ये क्या होता है, हारमोनियम। हारमोनियम होता है, बिल्कुल हारमोनियम भी रखा हुआ है। हम थोड़ी सी आपको जहमत भी देंगे अभी थोड़ी देर में कि आप वहाँ जाके भी थोड़ा सा हमें गुनगुना के बताएंगे। अच्छा समन, इतनी बिजी लाइफ है और माशाल्लाह अपने प्रोफेशन में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और सोशल एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आती हैं माशाल्लाह, डिफरेंट इवेंट्स में भी नज़र आती हैं, फिर अपनी सिंगिंग को भी टाइम देती हैं, पोएट्री में भी माशाल्लाह आप इन रहती हैं, तो ये सारे कामों के साथ आप अपनी फैमिली को कैसे टाइम देती हैं और सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हैं? सारी सपोर्ट फैमिली की ही है, जिसकी अच्छा वजह से मैं इस काबिल हूँ कि ये सारी चीज़ें कर रही होती हूँ। ठीक। और मुझे याद है कि जब मेरे बच्चे बहुत छोटे होते थे और मैं उनसे पूछती थी कि बेटा तुम्हारी अम्मी इतनी ट्रैवलिंग करती हैं, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग होती थी, अच्छा ठीक तो है। तुम लोग फील करते होगे कि अम्मी तो घर पे नहीं होती, अम्मी तो अक्सर ट्रैवलिंग कर रही होती हैं। तो मेरा बेटा उस जो था वो बड़ा वाला बेटा है, वो मुझसे अच्छा हमेशा कहा करता था, कहता था अम्मी लोगों के वालदैन घर पे होते हैं लेकिन वो उनके साथ नहीं होते, बट आप घर पे भी होती हैं, आप हमें जब घर पे होती हैं तो आप हमें पूरा वक्त भी देती हैं और सही, क्वालिटी टाइम देती हैं जो कि वाह हमारी ज़रूरत है। ये तो बात मैं है। समझती हूँ कि मेरे इतने ज़्यादा एंगेजमेंट से मेरे बच्चे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुद मुख्तार हो गए वक्त से अच्छा पहले। जो माशाल्लाह, है उनको, क्योंकि अक्सर लोग जब घर आते थे वो मुझसे कहते भाई बच्चे बड़े डिसिप्लिन हैं माशाल्लाह, तो अच्छा मैं कहती थी कि उसकी वजह शायद ये है कि बच्चों को एक रूटीन और डिसिप्लिन, चूंकि मेरा भी एक डिसिप्लिन लाइफ है तो ठीक बच्चे भी उसको फॉलो कर रहे फॉलो होते हैं कर रहे होते हैं। और वो देखते हैं कि जी अम्मी शाम में आएंगी। बल्कि मेरा छोटा वाला बेटा जब मेरी ट्रैवलिंग होती थी तो उसको पता था कि अम्मी 5 बजे फारिग होंगी, तो वो सही, ठीक 5 बजे मुझे कॉल करके बताता था कि अम्मी स्कूल के होमवर्क से ये चीज़ें मिली हैं, फिर मैं वाह टेलीफोन पर उसको होमवर्क कराती थी। जी अच्छा हाँ, क्या और बात है माशाल्लाह। जाने से पहले ट्रैवलिंग से पहले अगर उसका कोई टेस्ट या ऐसी कोई चीज़ होती थी तो पूरी बुक बना के देती थी कि बेटा आपने ये सारे फिलिंदी ब्लैंक्स पूरे करने हैं, अपनी अच्छा ये चीज़ें सारी कंप्लीट करनी है, और रोज़ाना एक पेज पढ़ के पूरा आपने क्या लिखा मुझे शाम में फ़ोन पे बताना है। तो मैं समझती हूँ कि वो इंगेजमेंट और वो टाइम जब बच्चे भी याद करते हैं, हम लोग बैठते हैं तो बड़ा मज़ा आता है अच्छा कि किस तरीके से। और मैं समझती हूँ कि लोग तो इससे भी ज़्यादा काम कर रहे होते हैं और हाँ इससे ज़्यादा बिल्कुल बिजी होते हैं, बिल्कुल। लेकिन वक्त तो हमारे इख्तियार में है, वक्त की सुइयां हम 12 से आगे नहीं बढ़ा सकते, 1 से 12 और 12 से 24 तक जा सकती हैं, उससे बिल्कुल। आगे तो नहीं जाती। अच्छा कैसे दिन कैसे गुजारती हैं अपने, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी? घर पे होती हूँ तो सुबह आदत है अर्ली उठने की, अच्छा और मेरी बच्चों की हम सब की, और रात में थोड़ा सा जल्दी सोने की कोशिश करते हैं सही। कि क्योंकि आपको पता है कराची का एक खास ट्रेंड ये होता है कि अगर रात को 12:30 और 1:30 बजे भी लोग अगर आपको फ़ोन करें तो वो ये सोचते हैं नहीं है कि कोई सो रहा होगा, क्योंकि इन जनरल ऐसा ही हाँ होता है, उनका सही, कसूर भी नहीं होता। लेकिन मैं यूजुअली जो है वो जल्दी सो जाती हूँ, बच्चे भी जल्दी जल्दी सोना सो जल्दी जाती हैं। उठना जी हाँ, आप जब सही। सुबह जल्दी उठ जाएं हाँ जब सुबह जल्दी हो तो जाए आपके ना पास पूरा दिन तो होता है फिर काम करने इतनी का। जल्दी सारे काम हो जाते हैं फिर, और इतना टाइम बच जाता है कि इंसान सोचता है कि अब शायद अब मैं और कुछ भी कर सकता था जी इसमें। हाँ, बल्कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं नाज़रीन से एक बात ज़रूर कहना बिल्कुल चाहूँगी जरूर कहें इसी आए हवाले से, भाई जी बिल्कुल सुबह का सूरज निकलता है हम सबको और पूरी कायनात को एनर्जी देने के लिए, बिल्कुल। रोशनी देने के लिए, उस एनर्जी को तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते। जो सही सूरज के निकलने का टाइम होता है उस वक्त हम सो रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। और उसके बाद जब सूरज गुरूब होने का टाइम होता है तो हमारी पार्टीज, हमारा घूमना फिरना, हमारे इवेंट, सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं, रात सही। तक चलती हैं, लेट नाइट तक चलती हैं। उसमें क्या होता है कि एनर्जी हासिल तो कुछ नहीं की, हाँ वो जो कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं और और जाया गिलास कर तोड़ा दिया। 12 ने, तो वो ही हम सही कर रहे होते हैं। हम बात जाके जो बची कुची हमारी सेहत में और एनर्जी है, होती एनर्जी है होती है उसको वो भी हम हम जाया कर देते जाया हैं कर देते हैं। बिल्कुल। तो मेरी और फिर हमारे बिजनेस में और हमारे कारोबार में बरकत भी आप देखिए कि हाँ जिन जगहों पे, इवन पाकिस्तान में ही आप हाँ दूसरे हाँ शहरों में जाएं
तो वहाँ पे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग सारे बाजार खुल जाते हैं, मार्केट खुल जाती है। और यहाँ तो आप तस्वीर नहीं कर सकते कि 12 बजे से पहले कोई मार्केट खुल जाएगी। और फिर कहते हैं लोग के बरकत नहीं है। हाँ। तो भाई बरकत इसीलिए नहीं है क्योंकि हम अल्लाह के जो निजाम और जो कायनात का पूरा निजाम है उस साइकिल के अगेंस्ट जा रहे हैं। उसे फॉलो नहीं कर रहे। ये मैं सबसे कहूंगी कि भाई सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, ना सिर्फ उस दिन जिस दिन बच्चे स्कूल जाते हैं बल्कि उसके अलावा भी। अक्सर मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सो जाती हैं। हाँ, रूटीन यही होती है। कोशिश ये करें कि जल्दी सो जाएं ताकि सुबह जल्दी उठें, तो फिर पूरा दिन होता है, बहुत सारे काम कर सकती हैं। सही। तो वीकेंड पे बच्चों के साथ कहीं आउटिंग के लिए जाती हैं? जी बिल्कुल, ये कोविड में जरा सा घर से निकलना मुश्किल हो गया। अच्छा। था। और कोविड के दौरान जो है वो हम लोगों ने लूडो खेला, कार्ड्स खेले, कैरम खेला, और बचपन में खेलते थे नाम चीज जगह वो भी खेला। अच्छा। तो बच्चों जितने गेम्स है ना, इंडोर गेम्स, वो सारे खेल लिए, सारे खेल लिए बिल्कुल। और अब उसके बाद जब अब न्यू नॉर्म में आ गए हैं तो जी हाँ, आउटिंग भी बच्चों के साथ वीकेंड्स पे या किसी दिन निकलना होता है तो इंशा माशाल्लाह जरूर जाते हैं हम लोग। अच्छा। सारे कामों में अपनी फिटनेस का ख्याल रखती हूँ? रखती हूँ, मगर उस तरह नहीं रखती जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा रखते हैं। अच्छा। उस तरीके से रूटीन में एक्सरसाइज वगैरह, वॉक करना? जी कुछ, एक आध खातिन के लिए तो बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल, जिम भी ज्वाइन किया और अच्छा। जिम भी जाती हूँ। ये अलग बात है कि उस जिम से फिर फोन आते हैं मेरे पास कि अब आप कब आ रही हैं, जरा जल्दी बता दें। अच्छा। तो क्योंकि मैं बहुत छुट्टियां मार करती हूँ जिम जाने में। लेकिन उसके अलावा घर पे, चूंकि मेरे घर में माहौल कुछ ऐसा है कि मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो फिटनेस फ्रीक है बहुत ज्यादा। अच्छा। तो वो अक्सर खाने की मेज पे से मेरे आगे से अगर कोई खाने की ऐसी चीज है, कोई चिकनाई वाली या मलाई वाली, तो वो हटा देते हैं कि अम्मी अच्छा। ये खाने वाली चीज़ें और रात में कहते हैं जल्दी खाए, जल्दी सोए, वॉक करें, इतना टाइम रखें कि खाने के बाद वॉक कर सकें। अच्छा, वो भी चाहते हैं ना कि मम्मा आए स्कूल में तो एक प्यारी सी मम्मा, वो लोग देख कर कहें कि हमारी मम्मा इतनी स्लिम स्मार्ट है ना, स्लिम सी है, प्यारी सी है ना, वो चाहते हैं। स्लिम तो होना चाहिए, हूँ नहीं, लेकिन होने की कोशिश जरूर कर रही है। तो लेकिन ये है कि पूरी कोशिश जरूर करती हूँ क्योंकि काफी हेल्थ के सिलसिले में मैंने काफी तकलीफें उठाई हैं। अच्छा। तो उस हवाले से अब चूंकि लेसन लर्न यही है कि जान है तो जहान है। बिल्कुल, सबसे पहले आपकी सेहत, फिर बाकी चीजें, क्योंकि आप सेहत है आपकी तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और अगर कहीं आप वीक हैं, सेहत नहीं है, और कहीं बीमार हो गए, और जो लोग सेहत का ख्याल नहीं रखते वो बीमार भी ज़्यादा होते हैं, और जब आप सेहतमंद नहीं होंगे, बीमार रहेंगे, तो अपने बाकी काम कैसे कर सकते हैं? गेम्स खेलती हैं? जी गेम्स खेलती हूँ। कौन सा गेम आपका फेवरेट है? इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, दोनों बता दें आप हमें। आपको कौन से पसंद है, इंडोर गेम्स पसंद है या आउटडोर? आउटडोर गेम्स का मौका नहीं मिलता, मगर अच्छा। मैं समझती हूँ कि पकड़म पकड़ाई मुझे बड़ी पसंद है। अच्छा। बचपन के गेम्स जी, स्कूल्स में वो लॉन्ग जंप होती थी सही, और बास्केटबॉल होती थी। वो तमाम चीजों का शौक था। अच्छा। वो खेला करते थे। अब तो खैर वो जमाना भी नहीं है और अब वो वक्त भी शायद हमें इजाजत नहीं देता इतनी सारी चीजें मैनेज करने का। अच्छा, जब आप गेम्स वगैरह में होते हो ना तो फिर आपको खुद ब खुद फिटनेस होती चली जाती है, है ना, कि आपको एक्स्ट्रा जाके वॉक करने की एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ती। आप बैडमिंटन खेलें, आप कोई भी इंडोर आउटडोर गेम ऐसा ज्वाइन कर लें तो आपकी खुद ही इतनी अच्छी फिटनेस हो जाती है कि आपको दिनों में ही आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, आपको जरूरत ही नहीं होती कि एक्स्ट्रा जाके आप वॉक करें, आप एक्सरसाइज करें। तो गेम्स तो बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और एक चीज़ और है, आजकल जो है वो फिटनेस को दुबला होने से मुमासलत दी जाती है, जबकि फिटनेस का ताल्लुक आपकी बॉडी स्ट्रक्चर से हरगिज नहीं है। बिल्कुल। फिटनेस का मकसद ये है कि आप सेहतमंद हैं, आपके तमाम वाइटल सही तरह काम कर रहे हैं, आप चल फिर अच्छी तरह से सकते हैं, एक नॉर्मल इंसान वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। और बिल्कुल, बहुत प्यारी बात आपने समझ ने आज कही है कि मेरे ख्याल से ये बातें सारे डॉक्टर्स बार बार हमें बताते हैं लेकिन हम इसे फॉलो नहीं करते कि वेट कम करने का या फिटनेस का ताल्लुक जो है वो दुबले होने से नहीं है। क्या आप डाइटिंग करके खुद को वीक कर लें और फिर किसी काम के ना रहें, आप बीमार पड़ जाएं, आपकी सेहत इस काबिल ना हो कि आप दूसरी एक्टिविटीज़ को आप ठीक से कर सकें, तो इसका ताल्लुक सेहतमंदी से होता है। अच्छी सी वॉक करें, एक्सरसाइज करें, गेम्स खेलें, खुद को फिट रखें। समन पाकिस्तान की पहली खातून हैं जिन्होंने पावर प्लांट के सेफ्टी डिपार्टमेंट को हेड किया। आइए इस हवाले से उनसे बात करते हैं। समन, कुछ बताइए हमें। ये जी बिल्कुल मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि मैंने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े पावर प्लांट के
सेफ्टी डिपार्टमेंट को लीड किया, और मैं समझती हूँ कि इसमें इस इदारे की भी बहुत हद तक जो है वो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, क्योंकि आजकल खवातीन को यूजुअली वैसे ही लीडिंग रोल्स में नहीं लाया जाता, और मुझे लाया गया और मुझे जो जिम्मेदारी दी गई वो यकीनन तौर पे बड़ी चैलेंजिंग थी, क्योंकि नॉर्मली इस फील्ड में खवातीन नहीं आती, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि खवातीन कोशिश करती हैं कि बहुत सेफ साउंड इन्वायरमेंट हो, कोई बंद कमरे का ऑफिस का कॉर्पोरेट सा इन्वायरमेंट हो, उसमें वो बैठ के काम करें, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये जो फील्ड का इन्वायरमेंट है जहाँ पे जाके आपको प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजिंग सिचुएशंस का सामना करना होता है, वहीं पे आपकी ग्रोथ होती है, हमारी ग्रोथ और हमारी तरक्की, और हम आगे उसी वक्त बढ़ते हैं जब हमको कभी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना होता है। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी ख्वातीन हैं और जिन्होंने इस एरिया में अपनी एक्सपर्टीज़ रखती हैं, वो यकीनन आएँ, आगे बढ़ें, और मैं समझती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में इदारों का माहौल बहुत अच्छा है, सही। और ख्वातीन को इज़्ज़त के साथ, रिस्पेक्ट के साथ वो फील्ड में आके अपनी तमाम तर जो जिम्मेदारियाँ हैं वो अदा कर सकती हैं, खिदमात अंजाम दे सकती हैं और ख़ुद को मनवा सकती हैं, क्योंकि ख़वातीन कहीं भी पीछे नहीं है मर्दों से, और वो बहुत अच्छे काम करके समन की तरह वो बहुत सारे अवार्ड्स भी ले सकती हैं, ख़ुद का आगे ला भी सकती हैं और अपने प्रोफेशन से ही खुद को मनवा भी सकती हैं, समन से और आगे भी जा सकती हैं, बिल्कुल और आगे भी जा सकती हैं, बिल्कुल। अच्छा समन, आपकी ज़िंदगी का बल्कि आपके बचपन का कोई ऐसा प्यारा सा वाक्य जो आपके चेहरे पर मुस्कान, आपके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लेकर आता हो, वो हमसे शेयर करें। हमारे बचपन में एक मशहूर हुआ था, एक ग्रुप मशहूर हुआ था जो कि तकरीबी कार्रवाइयाँ करता था, और उनका नाम था हथौड़ा ग्रुप। अच्छा। और वो लोगों के वो जख्मी करके, हथौड़ा मार के जख्मी करके भाग जाते थे। अच्छा। और उसका एक खौफ व हिरास इलाके में फैला हुआ था, तो पूरा कराची में ये खबरें होती थी कि जी हथौड़ा ग्रुप आज इस इलाके में है, आज उस इलाके अच्छा। में। तो छोटी थी मैं काफी, और सुनती थी कि मैं क्या करूँ, कुछ ऐसी कुछ आप समझें कि दिमाग में कुछ समाया और एक लेटर लिखा के घर वालों को, और अच्छा। तंबी की कि अपने घर से 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना, क्योंकि मेरे वालिद साहब अक्सर 7 बजे के बाद मेरी अच्छा। अम्मी को लेके रिश्तेदारों के यहाँ घूमने चले जाते थे, और हम उनको रोकने के लिए हम लोग घर पे रह जाते अच्छा। थे। तो उनको रोकने के लिए मैंने वो हथौड़ा ग्रुप की तरफ से, और बड़ी सलीस अपने नजदीक सकील उर्दू के अंदर वो खत लिखा, और लिख के दरवाजे के कुंडे के बीच में फंसा दिया, और उसके नीचे आखिर में लिखा अभी के अस तरफ हथौड़ा ग्रुप। माय गॉड। वो चूंकि शादियों के लिफाफों में अक्सर अस तरफ लिखा होता था, वो जो फ्रॉम होता था वो उस तरह, तो वो मुझे पता था कि ये इस तरह होता है, तो वो सब लिख के दरवाजे के बीच में फंसा दिया। वालिद साहब आए, उन्होंने देखा और पढ़ा, और उसके बाद उन्होंने सबको घर में दिखाया कि भाई ये कुछ है, कोई नहीं निकलेगा ना घर से बाहर, और सब बेहतर है। कहने लगे सिर्फ मैं जाऊंगा, कोई नहीं जाएगा। अच्छा। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, अकेले चले जाएंगे फिर, तो जाएंगे तो सभी, फिर पापा जाएंगे तो फिर नहीं कुछ होगा, तो फिर अम्मी को भी अच्छा। लेके चले जाएंगे। तो काफी देर वेट करने के बाद मैंने फिर डिस्क्लोज कर दिया। अच्छा। ये मैंने लिखा था। ओह माय गॉड। फिर क्या रद्देअमल था? पिटाई हुई? जी हाँ, अम्मी से पिटाई हुई। अम्मी ने कहा बेटा ये बुरी बात है, ये झूठ होता है, और ये अच्छा। इस तरह होता है। तो काफी डांट भी पिटी वालिद साहब से कि इस तरह किसी को परेशान नहीं करते, ये मजाक नहीं होता, ये एक संजीदा बात है, जो लोग बेचारे जिनको नुकसान हो रहा है अच्छा। या जो जख्मी हो रहे हैं, और तुमने इस तरह से डरा दिया, और मैंने तो सबको इत्तला भी कर दी, मोहल्ले में भी बता दिया, उधर एस एच ओ साहब को भी बता दिया कि हमें लेटर आया है। तो बहरहाल तो ये इस तरह से एक पूरा प्रैंक हो गया था। अच्छा। लेकिन उसके बाद मेरा प्रैंक हो गया, अम्मी ने मेरी खूब पिटाई लगाई। सही। अच्छा, आजकल क्या सोशल एक्टिविटीज हैं आपकी? माशाल्लाह। सोशल एक्टिविटीज इनफैक्ट मैं चूंकि रोटरी इंटरनेशनल से भी वाबस्ता हूँ और असिस्टेंट गवर्नर हूँ इस साल की, तो रोटरी के हवाले से जो क्लब्स मेरे डोमेन में आते हैं उन क्लब्स के साथ मेरी जो एंगेजमेंट रहती है। अच्छा, और अच्छा। उनकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज, आजकल चूंकि फ्लड रिलीफ के हवाले से फंडरेजिंग हो रही है, तो हमने काफी फंड्स जमा किए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी हाँ, और अभी इंशाल्लाह एक दो दिन में हमारा जो है वो विजिट भी है इंटीरियर के अंदर। अच्छा, और हम उनके लिए जो गजाई अजनास का सामान है वो तमाम हम लेकर जा रहे हैं, जैसे उसके अलावा टेंट्स वगैरह और उनके रहने सहने का जो बुनियादी जरूरियात है, जितनी कोशिश की गई है वो चीज़ें लेके एक पहली स्टेज के ऊपर हम इंशाल्लाह वहाँ पे जाएंगे।
और बस ये सोशल लाइफ है, बाकी घर है और ऑफिस है और बच्चे हैं। अच्छा, सिंगिंग को भी हम साथ लेते हुए चलते हैं आपके, इतना अच्छा इतना प्यारा आप गाती हैं, तो आपने बकायदा कोई ट्रेनिंग ली है इसकी, सीखा है तो कहाँ से सीखा है, किन से, उनका नाम हमसे ज़रूर शेयर करें। अच्छा, मैंने सिंगिंग शौक़ तो बचपन से था, लेकिन बाकायदा जो शागिर्दी इख्तियार की वो कुछ साल पहले उस्ताद करम अब्बास खान से। अच्छा, वाकिफ़ होंगी। अच्छा। जो हैं उस्ताद करम अब्बास खान साहब से मैंने तालीम हासिल की है। अच्छा। और ये जो हारमोनियम आप देख रही हैं ये उन्हीं का तोहफ़ा है। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत जी हाँ। और वो वाहिद उस्ताद हैं मेरे जो कि मुझसे कहते हैं कि तुम इस फील्ड में बहुत काहिल हो। अच्छा। और तुम्हें बहुत पहले आना चाहिए था और तुम, लेकिन अभी भी वक्त गुजरा नहीं है, और वो कहते हैं कि जी फुल फ्लेज आप इस फील्ड को अपनाएं। तो आई एम थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की है और मुझे बहुत सिखाया है। अच्छा, समन, आखिर में कोई एक अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, मैं मैसेज सबसे इम्पोर्टेंट तो जो बात कहना चाहूँगी वो यही कहना चाहूँगी कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के टैबोज़ हमारे यहाँ ख़वातीन के हवाले से वाबस्ता हैं, जो हमारे कल्चरल जिसको हम कहते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशंस हम बना लेते हैं कि स्टिग्मा होता है, कल्चरल स्टिग्मा के ख़वातीन ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती। मैं समझती हूँ कि जो मर्द हज़रात भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं और वो ये बात ज़रूर समझें कि ख़वातीन जो हैं वो यकीनी तौर पे अपनी लिमिट में रह के अपनी तालीम के हवाले से और अपने कैपेबिलिटीज़ के हवाले से हर वो काम कर सकती हैं और उस काम करने की अहलियत रखती हैं जिस तरह मर्द हज़रात रखते हैं। तो यकीनी तौर पे उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। और अब चूँकि पूरी दुनिया में डाइवर्सिटी जो है उसको फ़रोग दिया जा रहा है और उसमें कोई भी काम ख़वातीन और मर्दों में उसमें कोई डिफरेंस नहीं रखी जाती कि ख़वातीन नहीं कर सकती या मर्द नहीं कर सकते, और सब मिल के काम कर रहे हैं और मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो ख़वातीन को भी आगे आना चाहिए, थोड़ी हिम्मत अफजाई उनकी घरवाले भी करें और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी डेफिनेटली अपने मुख्तलिफ डाइवर्सिटी के हवाले से प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, और ख़वातीन खुद भी थोड़ा सा हिम्मत करें, हौसला करें। और मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी फील्ड हैं जहाँ पर वो काम कर सकती हैं और अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ा सकती हैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ और बहुत डिग्निटी के साथ। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच समन, इतनी मसरूफियत में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बेहद शुक्रगुजार। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। हमें भी, थैंक यू। इसके साथ ही मैं भी चौहान को दीजिए इजाज़त इस अपनेपन के साथ के अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे, देखते रहिए वीनस के मेहमान महवी चौहान के साथ।